Hey guys, welcome to my channel Trending Stuff, and there is a lot of people who don't know how to speak English, and I'm one of them. From starting in school, I was unable to speak English very well, and that's only because of my shyness, and that's because of also lack of my confidence. And but after school, when I grown up and see the world, I came to know that English is very important in this era, 21st century. It's very important that you should know English, because most of the people talk in English and use the language English. So you must learn English, how to speak it and how to use it in your life. So I started searching on Google that how can I learn English, how to learn English, how can I learn English, speak English, etc. So then I got many results, and one result was very good. That's of an app which name is Duolingo, and from then I started using this app, and today I'm able to speak English a little bit. And you must try that app, and I hope you will get your result, and you will be able to speak English very fluently. Thank you, and give it a thumbs up and subscribe to my channel. Guys, welcome to my channel. और अभी हम लोग जिस ऐप के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया है इंग्लिश सीखने में, तो इस ऐप के थ्रू आप कई चीज़ें सीख सकते हो, कई लैंग्वेजेस सीख सकते हो. तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और Duolingo नाम की ये ऐप है, इसको सर्च करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है. लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर Duolingo नाम से सर्च कर सकते हैं. उसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे, और इसके बाद आपको ओपन करना है. तो ओपन करेंगे आपको, तो आपको लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे आएगा. तो मैंने पहले ही इसमें लॉगिन कर लिया है, तो इसलिए मेरा पहले से ही लॉगिन है. सेटिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी ये आईडी है, और आप इसमें जीमेल और सब चीज़ें अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं. उसके बाद आपको ये जो नीचे बबल टाइप का बना है, इसमें आना है. इसके बाद आपको अगर कोई चीज़ इसमें आपको शुरुआत से लेवल वन से शुरू करनी है, अगर आप बिगिनर हैं तो, वरना इसमें आता है कि मतलब तीन ऑप्शंस आते हैं, मतलब शायद आते हैं तीन ऑप्शंस, मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद तीन ऑप्शन आते हैं जिसमें ये पूछता है कि मतलब आपको कितना नॉलेज है, जैसे कि या फिर आप बिगिनर हैं या फिर आपको हल्का फुल्का इंग्लिश आती है पहले से ही. तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से, और अगर आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए जैसी आपकी कंडीशन है इंग्लिश बोलने में या फिर समझने में. तो उसके बाद आपको, अगर आप जानते हैं तो आप टेस्ट देके ये सब लेवल पार कर सकते हैं. तो मैंने एक दो बार टेस्ट दिया था और मेरे कई एपिसोड्स पार हो गए थे और कई लेवल्स भी. तो इसके बाद आप इसमें टेस्ट को ऐसे कर सकते हैं. तो मैं आपको एक टेस्ट करके दिखा देता हूँ, जैसे लूप में है तो इसको स्टार्ट हम करते हैं. तो स्टार्ट करने पे हम लोगों को सिंपल, जैसे यहाँ पे लिखा है अमित की मदद करने कोई नहीं आया, तो यहाँ पे आपको इसको टाइप करना है नो वन केम टू हेल्प अमित. तो इतना आपको इसको ट्रांसलेट करना है, इसके बाद चेक करें तो ये सही है. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे. तो इसमें हम लोगों को बोलना है लाइक रुचि इज़ वेरी सेल्फिश. तो यहाँ पे मेरा सही है. तो ऐसे आपको आंसर करना है, और आंसर करने के बाद आपको मतलब बोले वाले आपका पार हो जाएगा. तो इससे होता ये है कि जब आप डेली इसको 10 या फिर 15 मिनट्स देंगे, तो आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी धीरे धीरे. और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप बिना किसी दिक्कत के इंग्लिश बोल सकते हैं. तो इसमें ना सिर्फ आपको इंग्लिश बल्कि आपको दूसरी भी लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाती है. जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको ढेर सारी उर्दू है, और फ्रेंच है, इटालियन है, और जापानीज़ है, चाइनीज़ है, रसियन है. तो इसमें आपको ढेर सारी चीज़ें, लैंग्वेजेस आपको मिल जाती हैं. तो इसकी हेल्प से आप इसको पढ़ सकते हैं, और आप इजीली इसको स्पीक भी कर सकते हैं. तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ऐप पसंद आए तो नीचे कमेंट करके बताएं कि
कि आपने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करने के लिए इसका सीखने के लिए इसका यूज़ किया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।